Hey, how's it going everyone? My name is Maribor और आज मैं फिर से आ चुका हूँ वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट को लेकर। आज हम लोग इतने ज्यादा मजे करने वाले हैं। रुको जरा, सबर करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज है जो कि मैं बहुत देर से लेके यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। ये टी शर्ट तुम लोग देख रहे हो, ये मैंने लास्ट एपिसोड में भी पहनी थी, तो मैं इसको यहाँ पर ना उतारने की कोशिश कर रहा हूँ बिना अपनी जगह से हिले। एग्जैक्ट मैं यहीं पर बैठना चाहता हूँ, तो मैं एक बार ट्राई करने वाला हूँ इस चीज को फिर से तुम्हारे सामने। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस अगेन। मेरी शर्ट अपने आप चेंज हो गई। यस, मुझे लग रहा है मेरे अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है। गाइस, एक बार फिर से करना बनता है। ओके, एक बार फिर से ट्राई करना बनता है। इस बार नहीं हुआ। ओके, एक और बार गाइस। नो अरे हो जा भाई, हो जा, क्यों बेइज्जती करा रहा सबके सामने, हो जा। गाइस, मुझे लग रहा है मेरी आज टी शर्ट फट जाएगी, बट ये ट्रिक फिर से नहीं होने वाली है। एक बार फिर से ट्राई करता है, ठीक है, आखिरी बार। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर माइनक्राफ्ट की विच वाली शक्तियां आ चुकी है। What, तुम यकीन नहीं हो दैट आई एम अ विच? So guys, बहुत ज्यादा ड्रामा बनती हो चुकी है। अब ऐसा करते हैं भाई, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट एक्चुअली मैं भूल चुके हैं लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था। आई थिंक लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था ये वाला आइलैंड अपने जानवरों के लिए। ओह यस, जो सबसे मेन चीज हम लोगों ने करी थी वो थी हमारा ये पिलेजर पकड़ने की। तो ये बंदा अपना हाथ खड़ा करा बिकॉज ये मुझे मारना चाहता है, बट एक्चुअल में इसके हाथ की जो बो है ना वो टूट चुकी है। एंड नाउ ही इज अ फ्रेंडली पिलेजर, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। एंड मुझे अभी याद है एक और चीज गाइस। गाइस, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने ना ध्यान नहीं दिया था, पर एडिटिंग के टाइम पर मैंने ध्यान दिया कि एक्चुअली जो हमारी स्नो सिटी है पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुकी है। एंड हमारे चंगू मंगू एंड उसकी जो सेना थी वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इन विलेजर्स ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यू नो व्हाट, मुझे अभी इसको एक बार फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये वाला काम मैं एकदम प्रायोरिटी में करने वाला हूँ। पहले हमारे जितने भी यहाँ के फ्लोर्स हैं इनको हम लोग एकदम सही करने वाले हैं, सारे छेदों को कवर कर देंगे। एंड मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्नोज वगैरह रखी हुई है। अब ऐसा करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी वो सेना बना देता हूँ। एक वो व्हाट इज दिस, अच्छा ये कार्व्ड नहीं है पंपकिन। मैं सोच रहा हूँ भाई ये हुआ क्या यहाँ पे। बन जाओ, शाबाश चंगू मंगू की सेना। गाइस, मैं ओवरऑल यहाँ पे 6 बनाने वाला हूँ। एंड अब इस कैसल के टॉप पे चढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये बन गया है हमारा गाइस चंगू, ये बन गया है गाइस हमारा मंगू। यस, ओह इट्स सो गुड टू सी यू गाइस बैक। मैंने लास्ट एपिसोड में ध्यान भी नहीं दिया था, उन रेडर्स ने हमारे सारे के सारे स्नो गोलम्स को मार ही दिया था। इसको भी यहाँ पर गाइस एकदम कंप्लीट कर देंगे, विशिंग वेल को। आखिरी स्पॉट हमारी स्नो सिटी को कंप्लीट करने का वो ये वाला बचा हुआ है। नो गाइस, हमारी पूरी की पूरी स्नो सिटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी नाउ। अब ऐसा करते हैं वापस चलते हैं यहाँ से एंड अपने मेन काम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग मेरे हिसाब से शायद से हम लोग 6th फेज पर है। मैं एक्चुअली भूल चुका हम लोग कौन सा फेज पर, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। वो मैंने जैसे भी चेक किया, लास्ट एपिसोड मैंने वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट का 5 तारीख को अपलोड किया था। ओह मैन, मुझे 12 से 13 दिन हो चुके इस गेम को खेले हुए लास्ट टाइम। दैट्स व्हाई मैं भूल चुका सब कुछ यहाँ पर क्या किया हुआ था। तो अभी हम लोग गाइस अपने 6th फेज पे, जो कि अभी आई थिंक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट खत्म होने वाला जंगल फेज। मैं ऐसा करता हूँ इस ब्लॉक को खोदना स्टार्ट करते हैं। मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फेज क्या हो सकता है। ओह, एक चेस्ट है ये यहाँ पे, बहुत सारा रेडस्टोन है, सेसिया की सैपलिंग है। सच बताऊं तो मेरे किसी काम का नहीं है ये। थोड़ा इसको अपने को देखना है कि अपना अगला फेज क्या होने वाला है। भाई साहब व्हाट द हेल, देखो मेरा आयरन गोलम्स गाइस कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा करता हूँ मैं अपने आयरन गोलम्स को एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ इसको मारने की। आजा आजा आजा, इनके घेरे में फंस जा। ए रखो, फंसा ना। मेरा प्लान काम करेगी आखिरकार। थैंक यू सो मच आयरन गोलम, थैंक यू सो मच, तूने मेरी हेल्प कर दी। जैसे ही आयरन गोलम्स किसी मॉब को देखते हैं ना, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे मेरे इलाके में आने की है। सैंडस्टोन है ये। यस, मुझे एक्चुअली में सैंडस्टोन की जरूरत है बहुत सारे। मैंने कुछ प्लान किया हुआ है आज की वीडियो में बनाने के लिए। लेट्स सी उसके लिए मुझे सफिशिएंट ब्लॉक्स मिलते भी है कि नहीं मिलते हैं। एक सेकंड यार, इतने सारे सैंड वाले ब्लॉक्स क्यों आ रहे हैं? हम लोग अभी जंगल बायोम में है। नो वेट, हम लोग अभी डेजर्ट बायोम में है। सॉरी, माय फॉल्ट, आई एम सो सॉरी गाइस। अनदर लामा, आजा भाई, मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया हुआ है, टेंशन ना ले, आजा। वो, एक जलता हुआ ज़ॉम्बी मेरे पास आ रहा है। आजा, तूने बहुत ज्यादा तकलीफ की वहां से यहाँ तक आने के लिए, आजा।
ओए यार एक और विलेजर, ये भी वंडरिंग ट्रेडर ही है, क्या दे रहा है? मेरे को कुछ खास नहीं दे रहा यार। सीरियसली गाइस बहुत सारे बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, मेरे को इसको फेंकना पड़ेगा। चल भाई आजा, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर दो बंदे हैं, ठीक है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। समझा तू कि नहीं समझा? मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी, और इसी वक्त स्मार्टी पाए तेरा काम तमाम करने वाला है। वेट अ सेकंड, देखो मुझे इस विलेजर की गाइस बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि इस विलेजर को मैं एज अ बेट यूज कर सकता हूँ, राइट? अगर मुझे फ्यूचर में यहाँ पर कोई आयरन गोलम फार्म वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इस विलेजर को मैं एज अ बेट यूज कर सकता हूँ। यस, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस विलेजर को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, एंड मैं भी एक और काम करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ओक फेंसेस रखी थी। यस, इस विलेजर के आसपास मैं मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहता हूँ। इस जगह को गाइस मैं एकदम अच्छे तरीके से फेंस अप कर लेता हूँ, बिकॉज ये बंदा बिल्कुल ही मरना नहीं चाहिए। यस, ओ बिल्ली, ओ बिल्ली मिली रे मेरे को एक और बिल्ली। मेरे पास कोई मछलियां नहीं होगी ना यार, मेरी है मेरे पास एक रॉक ऑर्ड। मेरे हिसाब से एक रॉक ऑर्ड एंड दो ट्रॉपिकल फिश के जरिए मेरे चंगुल में फंस जानी चाहिए। बिल्लू आज 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 बिल्लू, शाबाश, ले मैंने शिफ्ट दबाया हुआ, तो टेंशन ना ले, डर मत, वहाँ पे लावा है, कहाँ जा रही है? लावा के बीच करके मरेगी बिल्ली, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। डर मत, डर मत, डर मत, मेरे हाथ पे देख लेना, शाबाश, गाइस मेरे चंगुल में फंसने वाली है, फंस गई। ओए ओए ओए, क्या किया इसने? ओ मेरी मच्छी खा के भाग गई है। कैसी बिल्ली है भाई तू, मेरी मच्छी भी खा ली, स्टिल टेम नहीं हुई। आई हैव अ प्लान, तेरी ऐसी की तैसी लीड से बांधूंगा, भाग के दिखा। अब भाग के दिखा है, भाग के दिखा, अब क्या करेगी? ओके, आई डोंट थिंक सो कि गाइस ये ट्रॉपिकल फिश खाती है। अगर तूने बेटा भागने की कोशिश करी ना तो तेरे को मैं पफर फिश खिलाने वाला हूँ, समझी? तेरा काम ही तमाम कर दूंगा। तो भैया मैंने हर जगह पर यहाँ पर चेक कर दिया है, रॉक ऑर्ड्स यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ओ यहाँ पर एक चेस्ट बची हुई है। What the hell is this? अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये भी तो निकाला है पूरा एंचेंटेड डायमंड का आर्मर, राइट? तो उसके लिए मैंने बहुत सारी डील्स करी थी अपने वेपन स्मिथ वगैरह के साथ, अपने आर्मरर के साथ, तो वहां से आए इतना सारे आर्मर्स। ओके, मैं एक्चुअली भूल गया था इसके बारे में। ओ बिल्लू देख, ऐसा मेरे पास ट्रॉपिकल फिश के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ये खाती नहीं है भाई, ट्रॉपिकल फिश हद है भाई इसके लिए, पर डरनी थी मुझसे भी, जो अच्छी बात है, इधर ही रहेगी समझी, जब तक मैं तेरे लिए और रॉक ऑर्ड लेके नहीं आता हूँ। अंदर बैठी रहे चुपचाप से। अब मैं भगवान से एक ही चीज दुआ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारा फेज ही खत्म हो जाए। कुछ खास नहीं मिल रहा भाई यहाँ पर, अब अगला फेज स्टार्ट हो जाए। भाई कितने लामास दोगे? 50 लामास हो चुके मेरे पास अभी। भैया ऐसा है, अब अगर इस गेम ने मेरे को एक और लामा दिया ना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा फिर। ओ मेरे हिसाब से गाइस अब यहाँ पर हमारा फेस खत्म हो चुका है। बास मारने वाली चेस्ट आ चुकी है। भगवान प्लीज खत्म कर दो इस फेस को, खत्म कर दो। यस, दो आयरन इंगेट मिले। वाओ मैन, वो यहाँ पर मुझे एंड रॉड्स भी मिली है। वाच, मुझे नहीं पता था मैं एंड्रॉइड भी मिल सकती है। वेरी नाइस, इस एंड्रॉइड को मैं यहाँ पे लगा दूँ? नहीं, यहाँ तो नहीं लगाऊंगा एंड्रॉइड को, मुझे पता है इन आयरन गोलम्स को बहुत ज्यादा पसंद है इन एंड्रॉइड्स के ऊपर छलांगे मारना। फिर से आ गया, नहीं ये फिर से आ गया यहाँ पे, ये क्यों आए यहाँ पर फिर से? निकल यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से, समझा कि नहीं समझा तू? निकल, पहली फुर्सत में निकल। Another villager, another villager, चल बेटा तू यहाँ से अंदर जा, विलेजर के सेक्शन में जा, अंदर चल, अंदर चल यहाँ से तू, शाबाश। What? मेरी पिकैक्स ही टूट गई। ओए एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा टूलस्मिथ कौन है? टूलस्मिथ भैया ये, ओए भाई इसको तो मैंने अभी तक अपग्रेड ही नहीं किया है। मुझे गाइस एक डायमंड की पिकैक्स चाहिए भाई, मैंने बहुत गरीबी में यहाँ पे टाइम बिता दिया है। अरे फिर से आ गई रे बाबा, फिर से आ गई बला। ओ मेरे आयरन गोलम को देखो भाई, इधर आ जा, तू नजदीक आ, तू एक बार एक बार मेरे आयरन गोलम के। रुको गाइस, ये ऐसा नहीं मानने वाला बंदा, इसको ना मैं धक्के मार के ना यहाँ से आगे के लिए, ये बड़ा शॉट, आगे चल। नहीं, मैं मेरे आयरन गोलम को अपॉर्चुनिटी देना चाहता था इसको मारने की। पर चलो एटलीस्ट एक शॉट तो बजा आयरन गोलम का इसको। नहीं चाहिए मुझे एक और गधा, नहीं चाहिए। ओ भाई ये तो वो वाला बंदा है। ओहो, ये तो खतरनाक वाला बंदा है। अबे 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 कुल्हाड़ी से मारना बंद कर मुझे, समझा? डरा दिया यार। ए देखो यार फिर से आ गया, ए आ गया भाई फिर से। ए ये बंदा खुद की बेइज्जती करा रहा है फिर से, सी खुद ही को शॉट मार रहा तेरी। चल आगे चल, तू आगे को चल एक बार मेरे आयरन गोलम के पास। ए बड़ा शॉट, तुझे मारेगा मेरा आयरन गोलम ही, धक्के मार के मार लूंगा सामने उसके। ए बड़ा शॉट एक और। भाई तुम लोग कमाल हो यार। एक सेकंड, मेरे पास इससे पहले यहाँ पे दो आयरन के इंगेट्स आते हैं ना, मैं इसको एक बार हील कर लेता हूँ, राइट? एक दो, ठीक है, खुश है? अब तू मेरी फिर से अच्छी प्रोटेक्शन कर सकता है यहाँ पे। ये है गाइस हमारी फाइनल चेस्ट।
दिल वाली क्या है इसके अंदर? ओह मैग्मा क्रीम है, ब्लेज रॉड भी है। यस गाइस अब जाकर मैं यहाँ पर वो बना सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रूइंग स्टैंड वगैरह, राइट? यस अब जाके मेरे को यहाँ पे पोशेज बनाने का ऑप्शन मिल चुका है। बहुत सारा खुशी हो रही है गाइस, इतनी खुशी। यस अब मेरा फेस भी खत्म हो गया। चलो यार कुछ तो बढ़िया हुआ कम से कम यहाँ पर अब मेरे साथ। यू रीच फेस 7 द नेदर, यस अ हेल लाइक डायमेंशन इनवेड्स एंड स्प्रेड्स केओस, वेरी नाइस। नेक्स्ट फेस हमारा नेदर का। ओ नेदर रैक मिलना स्टार्ट भी हो गया भैया, वाओ मैन। चलो हमारा मनुष्य फेस तो खत्म हुआ कम से कम। ओह 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 ओहो हो हो इतने सारे मेरे को ये नेदर एक्स मिल रहे हैं, मैं इसके लिए एक अलग से चेस्ट बनाने वाला हूँ नेदर के लिए। वेट ऑब्सीडियन आया फाइनली, चलो यार बहुत खुशी हो रही है। इस नेदर वार्ड के ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, सोल सैंड भी आई है, रेड नेदर ब्रिक्स भी आई है, वेरी नाइस। अब मेरे दिमाग में गाइस कुछ बहुत ही यूनिक आइडियाज आ रहे हैं बिल्डिंग करने के, एंड अंदर एक और बिल्ली वहां पर स्पॉन हो चुकी है जो की अच्छी बात है। ये बच्चे मैं तेरे लिए ही इसको बोर्ड के यहाँ पे तैयार किया था, इस बंदे को अपना प्रिजनर बनाने वाला हूँ मैं इसीलिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई छोटे, तेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे को एक खोपचा तैयार करना पड़ेगा। भैया आयरन गोलम देखो तुम लोग, भाई कैसे देख रहे इसको, वो इसको ना मारना तुमने, ये विलेजर्स के ऊपर हमला नहीं करता, टेंशन मत लो तुम। भाई इन आयरन गोलम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मैं ऐसा करता हूँ इसको इनकी नजर से दूर, अब एक तो दूर नहीं जा रहा यार, ये पता नहीं क्या सीन है। हाँ चल तू ऐसा कर यहाँ से ऊपर चल जा एक बार, वरना तू इन आयरन गोलम के हत्या पड़ गया ना भाई साहब, एक बार तेरी ये बैंड बजा देंगे। चल अंदर बैठ, अंदर बैठ, शाबाश। तो ऐसा करता हूँ मैं तेरे भाई के पास छोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तुम दोनों भाई भाई एक साथ रहो, बातें करो, मस्त रहो, ठीक है? किसी चीज की जरूरत होगी तो भैया आवाज लगा देना, इधर ही मैं यहाँ पे खुदाई कर रहा हूँ। ओए छोटे तू भी आई क्या आखिरकार है? अबे पिद्दी निकल, इसको तो मैं ये भी नहीं लगा सकता हूँ ना, निकल 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 भाई, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्या करेगा? चल मार, आजा मार मेरे को, मार मेरे को, मार मेरे को। ओ भाई तो मुझे मार भी नहीं पा रहा है, कितने बुरे हाल इसके। चल डायमंड्स, नेदर के फेस में भी हमें 3 डायमंड मिले अभी अभी, वेरी नाइस। नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं। ओए वेट 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 वेट, रुक जा भाई रुक जा, एक सेकंड, क्या मजाक ही चला हुआ। ओह माय गॉड, फर्स्ट थिंग गाइस ये बंदा हवा में उड़ सकता है, दूसरी बात ये कि ये बंदा यहाँ पे आग छोड़ता है, एंड मेरा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लकड़ी का बना, भाई सब कुछ जल जाएगा मेरा सब कुछ। नो इसका तो कुछ करना पड़ेगा भैया, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। मुझे भाई यकीन ही नहीं हो रहा है पहली बात तो, कि यहाँ पर ये ब्लेज वगैरह भी स्पॉन हो सकते हैं। व्हाई ओवर वर्ल्ड में तो स्पॉन कैसे हो सकता है भाई? कहाँ गया एक तो इसकी पोजीशन नहीं पता ना मेरे को, तो अब ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। कहाँ है ब्लेजू भैया? पता नहीं कहाँ गए, हवा में उड़ के भाग चुका अभी तक, वो बंदा ही गायब हो गया। डिस्पॉन तो नहीं हो गए? देखो भाई अगर तो डिस्पॉन हो गया तो बढ़िया है मेरे लिए, है ना, बट अगली बार और स्पॉन होगा तो मेरे पास यहाँ पर बो पड़ी हुई है, टेंशन की बात नहीं है। ओ नहीं रे, What the hell? क्या चल रहा है भाई इस गेम के अंदर? अबे ये कैसे स्पॉन हो सकता है यहाँ पे? ओ यार ओवरवर्ल्ड के प्राणी यहाँ पर कैसे स्पॉन हो सकते हैं? हवा में उड़ रहा होगा। ओ माई गॉड, ये बंदा गाइस मेरे पूरे प्लेटफॉर्म को आगे लगा सकता है यहाँ पे, है कि नहीं है? नहीं मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा। ये तो गलत बात है, ये यहाँ पे स्पॉन होना ही नहीं चाहिए था। इसको मेरे को कम से कम 2 शॉट मारने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये बंदा यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो वहाँ उड़ रहा है चुरात। देख लेगा छुपो। ओ मैन काम डाउन ब्रो। ओ भाई मेरे दिल की धड़कन एक्चुअली तेज हो चुकी है, क्या होगा? उतना ऊपर तक तो मेरे आयरन गोलम्स भी नहीं जा सकते हैं ना इसको मारने के लिए। देखो कितना ऊपर उड़ रहा है ये बदतमीज इंसान, इसकी नजर में नहीं आना बस मैंने कुछ भी जाए। ओ बच जाए इसको शॉट, बच जाए कार, शाबाश। इसको बिल्कुल आइडिया नहीं कहां से बज रहा इसको शॉट। बच्चे तेरा पिताजी हूँ मैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई भाई मेरे वर्ल्ड में आने की? है ओ माय गॉड गाइस, बहुत ज्यादा दूर जा रहा है यार एक तोड़ के। कहाँ जा रहा भाई तू? डिस्पॉन हो गया। अच्छा ये बंदा मुझसे आई थिंक अपने आप ही लगभग 128 ब्लॉक्स ज्यादा ट्रेवल। मैं क्या फालतू फिलोसफी झाड़ रहा हूँ भाई अपनी 128 ब्लॉक्स वाली, ये बंदा मुझे दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। अगर तो भैया ये ग्लिच है ना भाई कोई, तो गलत बात है यार, मेरे पूरे प्लेटफॉर्म की बैंड बजा देगा ये बंदा तो यार ऐसे करके। जब तक ऐसे हमारे नेदर का फेज यहाँ पर खत्म होता है तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ मुझे बनाना ही पड़ेगा जस्ट टू बी मोर सेफ। ओके एक छोटा सा मैंने कुछ तो बना दिया यहाँ पर यार, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा ना तो इससे क्या होगा कि जो बंदा यहाँ पर स्पॉन होगा ना बड़े बड़े, ये लोग यहीं पर फंस जाएंगे, ठीक है ना। जब तक मेरा ये वाला फेस कंप्लीट नहीं होता है नेदर का तब तक मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। चेस्ट मिली है नेदर वॉट, एक म्यूजिक डिस्क। म्यूजिक डिस्क के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है? आई थिंक एक जूक बॉक्स बनाना पड़ता है। ओ भाई डायमंड लगता है जूक बॉक्स के लिए, व्हाट?
अपने को आइडिया नहीं था भाई इस चीज का। गाइस ऐसे अपने पास 10 डायमंड्स है, एक डायमंड का इस्तेमाल कर भी लिया तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा। एंड अगर इस जूक बॉक्स को मैं यहाँ पे अपने पैरेट के पास लगाऊंगा, सीडी बजेगी ना इसमें। ओ सही है यार, ये तो हम लोग यहाँ पे म्यूजिक भी सुन सकते थे आज तक। ऐसा है भाई तू मेरे साथ चल, जहाँ पर मैं खुदाई करते है बहुत ही बोरिंग जगह है यार, कभी भी यहाँ पर कुछ भी स्पॉन हो जाता है। तेरे को भाई मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तू गाने बजा, तू आराम से, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। यू आर नॉट अलाउड हियर, यू आर विद अ स्केलेटन, यू आर नॉट अलाउड इन माय ओरिजिनल वर्ल्ड। देखो क्या हो गया भाई, ये ग्लिच है क्या? मारा चल, मार ही दिया तेरी तेरी ऐसी की तैसी, गंदा आदमी। अरे भैया मैं इसको तोड़ रहा हूँ यार। विलेजर्स मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, इस जूक बॉक्स को यहाँ पे लगा के। ए लो भाई गाने सुनो, आराम से डांस करो, पार्टियां करो, जो करना है वो करो, ठीक है? देखो ऐसा है, ए मरेगा भाई, तू कहाँ जा रहा है एरन गोलम से लड़ने के लिए? तो खुद ही गया भाई मौत के मुंह में, क्या बोलूं अब। इट वाज योर फॉल्ट नॉट माय फॉल्ट। ओके सो गाइस अगर देखा जाए मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल 13 ऑब्सीडियंस आ चुके हैं, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अपने लिए मैं एक नेदर पोर्टल को कहीं ना कहीं खोल देता हूँ। एंड नेदर पोर्टल को गाइस मैं एकदम यूनिक तरीके से खोलने वाला हूँ। तो गाइस जो हमारा ये स्विमिंग पूल के साइड वाली जगह, ये पूरी की पूरी यहाँ पर वेस्ट हो रही है। ओके तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, जहाँ पर मैं अपने लिए नेदर पोर्टल खोलने वाला हूँ। अपने मेन आइलैंड से थोड़ा सा दूर भी होगा ये बेसिकली। ओके छोटी सी जगह मैंने यहाँ पर बना दी है इसके लिए। एंड अब मैं सोच रहा हूँ इस जगह को मैं भरने वाला हूँ नेदर एग के साथ। ओ आगे फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। नो मुझे बस नेदर ब्रिक्स चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था मेरे को भाई, तुझे से को मारना पड़ेगा। ये थैंक यू, मर गया। ओ आग लगी, नहीं 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 भाई, नहीं भाई नहीं। भैया कितनी सारी कैट्स आ चुकी है यहाँ पर, एक दो, एक वहाँ पर है, फिर वहाँ से अंदर भी है भाई, कम से कम 8-10 कैट्स आ चुके इस वर्ल्ड में। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चेक दिस आउट गाइस, एक सिंपल सा डिजाइन हमारा तैयार हो चुका है। जरा फ्लिंट एंड स्टील बनाया जाए यहाँ पर, इसको लाइट अप करने के लिए होगा ना लाइट अप। ओ यस हो गया। एक बार गाइस जब हम लोग यहाँ पे नेदर के अंदर जाएंगे तो मैं ये सारे के सारे ऐसे ब्लॉक्स लेकर आने वाला हूँ। इस जगह को मैं बेसिकली फेंस अप करने वाला इन ब्लॉक्स के साथ। एंड मुझे अभी अभी एक और चीज याद आई है, मैं यहाँ पे बहुत सारा ग्लोस्टोन बनाने वाला हूँ। एंड अलग अलग जगहों पे मैं इन ग्लोस्टोन को इंस्टॉल करने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर कोई भी मॉब वगैरह स्पॉन ना हो। या गाइस हमारा एकदम सुंदर वाला नेदर पोर्टल यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमारे नेदर वर्ल्ड की यहाँ पे खेती बाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। बोरिंग सैंड वगैरह भी नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में ही नेदर एक्सप्लोर करने के लिए भी जाएंगे। एंड अभी गाइस मेरे पास एक आखिरी चीज बचती है करने के लिए इस वीडियो पे, जो मैंने प्लान किया था। सबसे पहले ऐसा करते हैं अपने स्टोरेज एरिया में चलते हैं, एंड जितने भी हमारी गाइस यहाँ पे सैंड वगैरह पड़ी हुई है ना, सारे के सारे मैं निकालने वाला हूँ अभी। ओके तो मेरे पास गाइस इतनी सारी यहाँ पे सैंड वगैरह पड़ी हुई है, रेड सैंड एंड हमारी सिंपल वाली सैंड। सैंड स्टोन भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, रेड सैंड स्टोन भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, बट आई डोंट थिंक, और मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए आई डोंट नो कि भैया यहाँ पर सफिशियंट होगा भी कि नहीं होगा यार, वैसे ब्लॉक्स तो बहुत सारे। मैं एक बार देखना चाहता हूँ जो सैंड स्टोन कैसे बनता है। वाह 4 सैंड के साथ 1 सैंडस्टोन बनता है, मुझे लगा था कि 4 सैंड के साथ 4 सैंडस्टोन बनेंगे। नो ये तो भैया धोखे वाली बात हो चुकी है। ओके गाइस तो मेरे पास यहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छा प्लान आया हुआ है। यहाँ से मैं एक ब्लॉक पहले नीचे जाना चाहूंगा, यहाँ से मैं 2 स्लैब्स नीचे के लिए लगा दिए हैं। जो मैंने भैया प्लेटफॉर्म बनाना है ना, वो मैंने इतना नीचे बनाना है, एक ब्लॉक नीचे। Everyone.
मेरा पूरा का पूरा बिल्ड यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैंने अभी यहाँ पर क्या बनाया हुआ है। चेक दिस आउट गाइस, मैंने यहाँ पर बनाए हैं दो पिरामिड्स। अब एक्चुअली मैं यहाँ पर दो पिरामिड्स नहीं बनाना चाहता था। पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर एक डेजर्ट बायोम टाइप अपने हिसाब से बना दूंगा, वहां पर मैं एक सैंड कैसल बना दूंगा, ठीक है ना। बट देन मुझे याद आया कि ऑलरेडी हम लोग एक कैसल बना चुके हैं, स्नो कैसल, तो सैंड कैसल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं अपने इस घर के आसपास दो पिरामिड्स बना दूं यहाँ पे। एंड मैं बहुत ज्यादा लकी कि मेरे पास यहाँ पे इनफ सैंड्स पड़ी हुई थी। थोड़ी सी यहाँ पर कमी हो चुकी है हमारी रेड सैंड की, तो इसका फ्लोर तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से मेरी जो ये वाली सैंड है ये कितनी है, जितना मुझे लग रहा है ये वाला जो फ्लोर है हमारा भरने वाला नहीं है गाइस। तो जो हमारा ये वाला पिरामिड है गाइस, तो इस वाले पिरामिड को मैं फिलहाल को कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल को स्टैंड बाय पे रखने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके आसपास ऐसा करते हैं, जरा मैं थोड़े बहुत ये फेंस पोस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। एंड एग्जैक्ट सेम चीज मैं यहाँ के लिए भी करने वाला हूँ। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जगह बनाई हुई है, बिकॉज मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं पानी भरने वाला हूँ। एक सेकंड, मैं ऐसा करता हूँ जितनी भी मेरी यहाँ पर बाल्टियां पड़ी हुई है सभी के सभी के अंदर मैं पानी भर के लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइस हमारे यहाँ पे दो डेजर्ट बायोम्स तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं गाइस ये दोनों के दोनों पिरामिड्स, राइट। वेल लेट मी डू वन थिंग, इनकी जो एंट्री है उसको थोड़ा सा मैं अच्छा बनाऊं, लाइक दिस, ऐसे करके। एंड इसके टॉप पे यहाँ पे लगाएंगे सैंडस्टोन को। ओ बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्ट इतने ही मेरे पास यहाँ पर ये ब्लॉक्स भी तैसे, दो ही सैंड बची है अब। एंड एग्जैक्ट सेम यही चीज मैं दूसरी साइड के लिए भी गाइस करना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरी सारी की सारी सैंड ही खत्म हो चुकी है यार। एंड अब यहाँ के लिए भी गाइस मुझे ना कुछ विलेजर्स की जरूरत है। एंड यहाँ पर गाइस हम लोग लगाने वाले अपने बेड्स, एक बेड यहाँ पे जाएगा, एक बेड यहाँ पे जाएगा। हर एक पिरामिड के अंदर मैं यहाँ पे चार चार बेड्स लगाने वाला हूँ। बस अब गाइस मुझे यहाँ पर नीचे से विलेजर्स लेकर आने, उसके लिए मुझे कोई ना कोई मेथड यहाँ पर सोचना पड़ेगा इन विलेजर्स को यहाँ से ऊपर ट्रांसफर करने का। ओ मेरे पास एक विलेजर ऑलरेडी है ना यहाँ पे। आजा भाई छोड़े, चल बता कौन से पिरामिड के अंदर जाना पसंद करेगा तू। वैसे तो बेटा तेरे पर कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे को इस वाले पिरामिड के अंदर ही जाना पड़ेगा। चल आजा तेरा नया घर, ओके। बस अभी यहाँ पे गाइस एक बार सोएगा बंदा, एंड उसके बाद इसको आदत हो जाएगी इधर ही सोने की। मेरे पास यहाँ पे ग्लो स्टोन्स भी है ना, ग्लो स्टोन लगा देता हूँ मैं कहीं ना कहीं, जैसे इस कोने पे लगा दिया, इस कोने पे भी लगा देता हूँ। ऐसा करते दो और बनाते हैं, एक इस कोने के लिए और एक इस कोने के लिए। ये है। So, इस एपिसोड को गाइस मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। हमारा मेन प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है, हमारे दो पिरामिड्स। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं फिगर आउट करके आने वाला हूँ कि भाई इन विलेजर्स को मैं यहाँ से ऊपर कैसे शिफ्ट करूँ। तीन विलेजर्स को मेरे को और शिफ्ट करना है ऊपर, एंड अपनी जनसंख्या के ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इस नेदर फेस को भी गाइस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही खत्म करने वाले हैं। बहुत जल्द गाइस इसका अगला एपिसोड भी आने वाला है। अगर तो तुम लोग नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर दो अभी और इसी वक्त। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम भी मैं रखने वाला हूं 1,00,000 लाइक्स का। हर वीडियो में मैं 1,00,000 लाइक्स बोलता हूं, बट 80,000 लाइक्स भी क्रॉस नहीं होते हैं। इट्स ओके, हमें कोई लालच नहीं है, बट टारगेट रखेंगे भाई इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो पूरे होंगे। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता है आप लोग से ऐसी धांसू वीडियो में। तब तक लेट्स सी गाइस, बाय बाय।